शिवराज सरकार कमलनाथ की पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 4 मंत्रियों के एक समूह को जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के इस फैसले का विरोध कांग्रेस ने किया है। कमलनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीकों से कमलनाथ सरकार के जनहितैषी फैसलों को पलट रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार अब इन जिलों का गठन नहीं होने देगी। उधर बीजेपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि शिवराज सरकार जनहितैषी फैसलों को नहीं बदलेगी, सरकार केवल उन फैसलों पर कार्रवाई करेगी जिनसे गड़बड़ी की दुर्गंध आएगी। मैं ये कहूं कि नर्मदा काली सिंध नदी, इससे जोड़ के हमने हजारों गांवों में पानी देने का निर्णय किया। क्या इन बातों की समीक्षा करेंगे? क्या असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे हमने पहुंचाया और आपकी सरकार में वो छूट रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे? गरीबों को 600 रुपये हमने दिया, किसानों का कर्ज माफ़ किया, किस बात की समीक्षा करेंगे? कोई व्यापम घोटाला तो हुआ नहीं, कोई ट्रेंडिंग घोटाला हुआ नहीं, सिंचाई में कोई घोटाला हुआ नहीं। तो जांच करना चाहे पूरी सरकार लगा दें, शिवराज खुद मुखिया बन जाए। जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में आती है उसको पुराने कार्यों की समीक्षा हमेशा करना चाहिए। पुरानी सरकार ने कोई जनहित विरोधी निर्णय तो नहीं लिए, पुरानी सरकार ने कोई ऐसे निर्णय तो नहीं लिए जिनमें पारदर्शिता नहीं थी, और इसलिए ये समीक्षा करना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, इसके पीछे जो निर्णय है उनकी समीक्षा करना है कि कोई निर्णय जनहित का तो नहीं है।